Hello children, welcome in our social science class. It is our chapter 6th, our school part 1. Our school. Before going to start this chapter, let's see get set activity. Look at the picture, pick your answer. ये जो picture है, इसे देखना है और जो नीचे questions किए गए हैं, उसके answers हमें tick करने हैं. First, what is this building? कौन सी बिल्डिंग है ये? स्कूल है या मार्केट है? Yes, it is school. So यहाँ पर स्कूल के आगे हमें टिक करना है. Then second, what are the children wearing? Children ने यहाँ जो बच्चे हैं स्कूल में, ये जो बिल्डिंग है स्कूल में, स्कूल में जा रहे हैं, उन्होंने क्या वेयर किया हुआ है? नाइट सूट और यूनिफॉर्म. क्या वेयर किया है इन बच्चों ने? यूनिफॉर्म. यस, जब आप भी स्कूल में जाते हो तो स्कूल यूनिफॉर्म वेयर करके जाते हो ना, इस तरह से इन सभी बच्चों ने क्या वेयर किया है? यूनिफॉर्म. थर्ड, व्हाट आर द चिल्ड्रेन कैरिंग? बच्चे अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं? ऑप्शंस, स्कूल बैग और शॉपिंग बैग. क्या है बच्चों के साथ? स्कूल बैग. बच्चे क्या कैरी करके ले जा रहे हैं? स्कूल बैग. तो स्कूल बैग के ऊपर टिक करना है. और हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन यू सी इन द पिक्चर? कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं हमें इस पिक्चर में? 1, 2, 3, 4 and 5. यहाँ पर ऑप्शन कितने दिए हैं? 4 and 5. तो कितने हैं? 5. तो यहाँ पर 5 के ऊपर हमें टिक करना है. गॉट इट? आई एम नीरू. व्हिच शी इज? नीरू. आई गो टू सिटी स्टार स्कूल. इसकी स्कूल का नाम क्या है? नीरू की स्कूल का नाम है सिटी स्टार स्कूल. आई स्टडी इन क्लास 2nd C. ये क्लास 2nd C में पढ़ती है. There are many teachers in my school. They teach us many things. नीरू क्या कह रही है कि वो 2nd C में पढ़ती है और उसके स्कूल में बहुत से टीचर्स हैं जो कि उन्हें बहुत सी चीजें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं. नीरू की स्कूल का नाम है सिटी स्टार स्कूल. और आपकी स्कूल का नाम क्या है? Yes, it's KPPS Kids School. In my school. अब नीरू की स्कूल में क्या क्या है वो बता रही है. Let's see. There is an assembly hall in my school. नीरू क्या बोल रही है कि there is an assembly hall in my school. Our morning assembly is held here. जो मॉर्निंग असेंबली होती है वो कहाँ हो रही है? असेंबली हॉल में होती है. स्कूल फंक्शंस आर आल्सो हेल्ड इन द असेंबली हॉल. स्कूल के जो फंक्शंस हैं वो भी असेंबली हॉल में होते हैं. हमारी असेंबली कहाँ होती है? यस, इट इज ए ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ आवर स्टेज. ये क्या है? दिस इज अवर लाइब्रेरी. क्या है ये? लाइब्रेरी. इट हैज मेनी बुक्स. लाइब्रेरी में क्या होते हैं? बहुत से बुक्स होते हैं. वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में जो बहुत से बुक्स रखे हुए होते हैं उन्हें वहाँ पर रीड करने के लिए रखे हुए होते हैं, जो हम वहाँ रीड कर सकते हैं और घर भी लेकर जा सकते हैं. वी ऑल्सो गेट बुक्स टू टेक होम. जो लाइब्रेरी है यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, SILENCE, साइलेंस. यानी लाइब्रेरी किस लिए होती है? वहाँ पर जो अलग अलग स्टोरीज के और बहुत से अलग अलग बुक रखे हुए होते हैं जो हमारे स्टडी से रिलेटेड भी होते हैं, तो वो बुक्स लेकर हमें रीड करने के लिए वो बुक होते हैं. यहाँ पर जाकर बातें नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर साइलेंस लिखा हुआ है. तो जब भी लाइब्रेरी में जाना है तो शांति से बैठ कर वहाँ पर रीड करना है और वहाँ के जो रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, जैसे कि बुक्स को अच्छे से रखना है, प्रॉपर वे में रखना है, रीड कर वहाँ को जाने के बाद उसे उसकी जगह पर उसी प्लेस पर अच्छे से रख देना है. अगर हम घर पे लेकर जा रहे हैं तो उसको टीचर्स को बताकर नोट करके लेकर जाना है, फिर सबमिट करते समय लाकर दे वापस लाकर देते समय टीचर को बताना है कि वो आपने वापस रखे हैं. इस तरह के जो रूल्स होते हैं वो लाइब्रेरी में फॉलो करने चाहिए. देयर इज अ म्यूजिक रूम. अब ये नहीं रुकी क्या है स्कूल का एक कौन सी रूम है? म्यूजिक रूम. हमारे क्या स्कूल में भी है? हमारे स्कूल में कौन सी रूम है? डांस रूम है. वहाँ पर हम क्या करते हैं सर? डांस करते हैं. देयर इज अ म्यूजिक रूम टू. वी लर्न म्यूजिक हियर. यहाँ पर क्या करते हैं? म्यूजिक सीखते हैं. वी लर्न टू प्ले द गिटार एंड द तबला. यहाँ पर ये क्या बजाना सीखते हैं? गिटार और तबला किस तरह से प्ले कर
कार्टून में इस तरह से कुछ कोई कलरिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, कुछ क्राफ्ट कर रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छी चीजें बना रहे हैं। बेस्ट आउट ऑफ फ्रॉम वेस्ट, जो वेस्ट होता है उससे अच्छी चीजें बनाते हैं। देयर इज अ कंप्यूटर रूम इन माय स्कूल, हमारी स्कूल में भी बहुत बड़ी कंप्यूटर लैब है ना, उसी तरह से नीलू की भी स्कूल में ये कंप्यूटर रूम है। वी ड्रॉ एंड पेंट ऑन कंप्यूटर्स, नीलू क्या कर रही है कंप्यूटर पे, ड्रॉ एंड पेंट। वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड, कहाँ खेलते हैं सर, प्ले ग्राउंड में। देयर आर मेनी स्विंग्स, स्लाइड्स एंड सीसॉस हियर, यहाँ पर क्या है, बहुत से स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं एंड सीसॉस। प्लेइंग इज फन, इट कीप अस फिट एंड हेल्दी, खेलने में क्या आता है, बहुत मजा आता है, और खेलने से सिर्फ मजा ही नहीं आता है तो हम हेल्दी भी रहते हैं और फिट भी रहते हैं, इसलिए खेलना चाहिए। लेकिन खेलते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें हमारी स्टडी भी करनी चाहिए, जब हमारी स्टडी है वो कंप्लीट कर लेनी है उसके बाद हमें खेलना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए ये सारे बच्चे जो हैं वो प्लेग्राउंड में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या क्या खेल रहे हैं, स्लाइड, सीसॉ, मैरीगोराउंड, इस तरह से कि ये जो बच्चे हैं अलग अलग खेलने खेल रहे हैं। और खेलने से क्या होता है, एक्सरसाइज होती है। आई शेयर माई लंच विथ माई फ्रेंड्स, ये बच्चा क्या कह रहा है, आई शेयर माई लंच विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपना लंच शेयर करता हूँ, यानी जो टिफिन लाया होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आई लव माई स्कूल, इसे अपनी स्कूल पसंद है। आई कीप माई स्कूल क्लीन, ये बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम हमारी स्कूल कैसे रखते हैं, क्लीन रखते हैं। We celebrate many special days in school. स्कूल में बहुत से special days जो होते हैं वो celebrate करते हैं। तो इसी तरह से हम सब भी करते हैं ना, हमारे स्कूल में भी तो हम अलग अलग जो special days होते हैं वो celebrate किए जाते हैं, festivals को celebrate किया जाता है। आप सभी इस बात का ध्यान रखते हो कि आपकी स्कूल भी कैसे रहे, क्लीन रहे, देन आपको भी आप सबकी स्कूल जो है बहुत पसंद है। और आई शेयर माई लंच विथ माई फ्रेंड्स, तो आप भी तो करते हो ना, ये जो अच्छी आदतें हैं ये हम सभी को हमेशा फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो गया है, अब हमारे नेक्स्ट पार्ट पर हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स है वो देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर है केयरफुली रीड करना है। ओके, थैंक यू, बाय।